नॉर्डिक्स एमडीएम, एमडीएम क्या है? आजकल एमडीएम के बारे में बहुत सारी चर्चा होने लगी है। एमडीएम एक मुख्य रूप से उपयोग और सिक्योरिटी के संदर्भ में मोबाइल डिवाइस के मैनेजमेंट की एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। मोबाइल उपकरणों को एक रणनीति के माध्यम से मैनेज किया जाता है, जो प्रत्येक डिवाइस के बारे में आवश्यक जानकारी को ट्रैक करता है, निर्धारित करता है और कौन से एप्लीकेशन इंस्टॉल किए जा सकते हैं, अनइंस्टॉल किए जा सकते हैं, और यदि मोबाइल डिवाइस खो जाते हैं या चोरी हो जाते हैं तो उन्हें दूर से ही सिक्योर करता है। एमडीएम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आईटी कंपनी के मैनेजमेंट को किसी भी लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट या किसी संगठन के नेटवर्क से जुड़े किसी अन्य डिवाइस पर प्रशासनिक नीतियों को संचालित, नियंत्रित और सुरक्षित करने की अनुमति देता है। रिसेंटली पोस्ट ऑफिस में SOT या SOT टू श्योर MDM माइग्रेशन दर्पण डिवाइसेस के लिए हो रहा है, जो कि एक मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट कंपनी से SOTI जो पहले थी उससे अब श्योर मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट कंपनी में हो रहा है। MDM मैनेजमेंट कंपनियां अलग अलग हो सकती है, जो कि एक थर्ड पार्टी होती है जो अपने डिपार्टमेंट के लिए डिवाइसेस का मैनेजमेंट करती है। मोबी कंट्रोल भी पहले करती थी, अब श्योर MDM करने वाली है। थर्ड पार्टी कंपनियां MDM के लिए किसी डिपार्टमेंट की डिवाइसेस मैनेज करने के लिए कुछ पैसे चार्ज करती है। MDM की ज़रूरत। आधुनिक व्यापार की दुनिया में मोबाइल उपकरणों ने लगभग पारंपरिक डेस्कटॉप PC का स्थान ले लिया है। कंपनियां भी तेजी से अपने बुनियादी ढांचे को क्लाउड कंप्यूटिंग में स्थानांतरित कर रही है, जिससे जो एम्प्लॉई है वो कहीं से भी और कभी भी किसी भी डिवाइस पर एप्लीकेशन, कॉर्पोरेट डेटा और अन्य साधनों तक पहुंचने की अनुमति उन्हें मिल जाती है। इसने व्यवसायों को अधिक गतिशीलता और लचीलापन प्रदान किया है। MDM कुछ इस तरह काम करता है। एनरोल, प्रोविजन, डिप्लॉय, मैनेज एंड रिटायर, ये एक साथ कई सारे डिवाइस पर एप्स एनरोल करने के लिए मदद करता है और एप्स की अपडेट पुश करने के लिए, सामग्री रिसेट करने के लिए मदद करके समय बचाता है। डिवाइस मैनेजमेंट समाधान के माध्यम से कई व्यक्तिगत, अगर BYOD स्कीम के अंतर्गत डिवाइस मैनेज है, उनके दूर से समस्या निवारण करके प्रस्थापित करके टाइम और पैसे की भी बचत करता है। अपने नेटवर्क की सुरक्षा के मैनेजमेंट को आसानी से बढ़ाकर हितधारक जो कि एम्प्लॉयज है उनके विश्वास में सुधार करता है। BYOD स्कीम के अंतर्गत जो मोबाइल MDM के अंतर्गत एनरोल किए हुए हैं उनके संवेदनशील डेटा को मैनेज करने के लिए स्पष्ट सीमाएं प्रस्थापित करता है। निरंतर इन्वेंटरी ट्रैकिंग के साथ डिवाइस हानि को रोकता है और गलत रखे गए डिवाइस को और खो गए हुए डिवाइस को सुरक्षित करने के लिए स्थान ट्रैकिंग का उपयोग करता है। ऑन डिवाइस MDM ऐप के माध्यम से गेम और मनोरंजन तक पहुंचने के लिए अवरुद्ध करता है। इसकी वजह से एम्प्लॉय की उत्पादकता बढ़ जाती है। अगर मैनेजमेंट के तहत सारे डिवाइस का बंद करने का समय आता है तो ये एक साथ सारे डिवाइस को फैक्ट्री रिसेट कर डेटा को डिलीट करता है। चोरी हुए मोबाइल का डेटा गलत हाथों में ना जाए, इसलिए ये दूर दराज से ही सारे डेटा को डिलीट कर सकता है। MDM के थ्रू आप सारे एम्प्लॉयज का, सारे डिवाइस का डाटा रिपोर्ट जनरेशन कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, किस वक्त काम शुरू करना है, किस वक्त बंद करना है, डिवाइस लॉक अनलॉक आदि चीज़ें आप किसी दूर जगह बैठकर मैनेज कर सकते हैं। इन शॉर्ट, एक थर्ड पार्टी आप एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर आपका सारा डाटा एक्सेस कर सकता है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
थैंक यू सो मच।